मामा दे तो मैं घुमा दो लेकिन मैं बैठन ठीक कर दी मेरे कोई घुमाना को नहीं मेरा बहुत कोई नहीं मेरा जुगाड़ होता नहीं मैं तो ठीक कर देख करा ले नौ भी नहीं हो गए दूध मांग मांग गोबर पानी कर गिलासी पानी लाऊं सुखा लगा तो मेरी विनती है सर तुम मेरी मदद कीजिए सर मैं अपना ऑपरेशन करवा लूं सर मैं मुंह से कुछ खाना चाहता हूं सर। नमस्कार मैं संजय डूडा आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज। इस वक्त हम कैथल जिले के गांव जुखोली में पहुंचे थे। आपने हमारे फेसबुक पेज पर पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक भाई है जो गांव जुखोली का रहने वाला है जो मदद मांग रहा है, लेकिन आज उसी के घर पहुंचे थे क्योंकि लोगों के द्वारा कमेंट में कहा जा रहा था कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, आप उसके घर जाइएगा और वीडियो बनाइएगा कि आखिरकार कितनी सच्चाई है। उसी को लेकर हम आज गाँव जुखोली में पहुंचे थे। पहले आपको घर के हालात यहाँ पर दिखा दे भाई जी के। तो ये दीवार है, जैसे दीवारों में देखे किस तरह से दरारें आई हुई है और उस साइड दिखाएं यहाँ पर किस तरह से क्या हालात होंगे घर के, वो तो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ गए होंगे। लेकिन उसी तरह से हम जब भाई के घर पहुँचे हैं तो उन्हीं से जान लेते हैं क्या नाम है उनका और कैसे क्या हादसा हुआ था उनके साथ, तो पूरी जानकारी हम इसी से लेते हैं। लेकिन बता दें कि कुछ साथी इस पर एक नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, उसी को लेकर बता दें कि हम एक पत्रकार हैं और अपने पत्रकार होने का फर्ज हम निभा रहे हैं। मदद करना या न करना वो आपका काम है, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करते हैं। जिस तरह से अमेरिका के दो भाइयों की मदद हुई थी हमारे वीडियो के जरिए जब हमने कैथल 24 न्यूज़ पर डाली थी, तो उन भाइयों की मदद हो गई थी क्योंकि जब आपने इतनी सहायता की थी तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस भाई की आप मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि पहले भी वीडियो हम डाले थे। लेकिन अब हम खुद उनके घर पर हम पहुँचे हैं, तो भाई जी से हम बात कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम सीताराम है सर। सीताराम है? हाँ जी सर। सीताराम भाई क्या हुआ था पूरी जानकारी हमें दीजिए। सर मैं मेरे यहाँ पे एक झगड़ा हो गया सर और मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया था सर और मैं अंदर चला गया था सर जिसमें कई लोगों का नाम आता था और सर पुलिस वालों ने मेरे से पैसे मांगे थे, उसमें मेरा पैसे देने में मैं आया सर सर था सर और मैं पैसे नहीं दे सका सर, पुलिस वालों ने मेरे अंदर करवा दिया सर और मैं फिर वहाँ अंदर चला गया सर। सर वहाँ पर मानसिक रूप से परेशान हो गए सर, मैंने एसिड की बोतल रखी थी जिस पानी समझ के उसी उसकी गलती से जी एक घूंट पी ली थी जिसमें मेरे खाने की नाड़ी जड़ गई है सर और मैंने नौबीने से मुंह से कुछ भी नहीं खा सकता सर, अब बेकसूर था सर इसीलिए मैं बाहर आ गया सर। अब देखिए कमेंट में नेगेटिव आ रहे थे कि आपने मर्डर किया है मर्डर किया है, बहुत सारे कमेंट आए नीचे, उसको लेकर एक सच्चाई बता दीजिए आप। सर अगर मैंने मर्डर किया होता ना सर तो मैं जेल से बाहर क्यों आता सर, वहीं पे रखते जी मैं दोषी पाया जाता था सर और मेरे को कुछ भी नहीं होता, मतलब बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता सर और मैं बाहर हूँ मेरे यह है सर, इसकी वजह से मेरे को सारी सुविधा भी दी प्रशासन ने भी बिल्कुल मेरी मदद की है जी वहाँ पे भी जी और मैं बहुत अच्छा व्यवहार किया जी मेरे साथ, मैं बाहर भी भेज दिया जी, अब वो बोल रहे जी आप इलाज करवाओ मैं अब कभी तेरे को अंदर नहीं कभी बुलाएंगे और रोहतक पी जाए में सर मेरा इलाज चल रहा और वहाँ से सर नौवीं से मैं मुँह से कुछ भी नहीं खा सकता अगर सर मैं बहुत मजबूर हो रहा हूँ सर, बेरोजगार है सर, मेरे मुंडे माँ बाप है सर जिनकी एज 70 साल है सर और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है सर, मैं बहुत अल्लाह चाह रहा सर अगर हो सके तो सिर्फ हाथ जोड़ के मेरी विनती है सर तुम मेरी मदद कीजिए सर, मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँ सर मैं मुँह से कुछ खाना चाहता हूँ सर। तो बता देगी जिस तरह से भाई की हमने वीडियो डाली थी कि वो कुछ खा नहीं सकते मुंह के क्योंकि गले का ऑपरेशन होना है, जिस तरह से आपको बता दे कि ये नली लगी हुई है वहाँ पर पाइप है जैसे पेट में चली गई तो इसके द्वारा ही ये जूस या फिर दूध ही यहाँ पर पी सकते हैं इस नाली के जरिए ही, तो हालात आप खुद तस्वीरों के माध्यम से समझ गए होंगे कि क्या हालात होंगे भाई साहब के। और जिस तरह से नेगेटिव कमेंट आ रहे थे वो भी भाई जी ने सच्चाई बता दी कि हमें प्रशासन ने कोऑपरेट तो ज़रूर किया है, लेकिन जिस तरह से अब वो बाहर भी आ चुके हैं लेकिन क्या हालात रहे होंगे उस टाइम, इनको जानबूझकर फंसाया गया या फिर क्या रहा होगा, वो तो कानूनी कार्रवाई है, कानून जो करता है वो अच्छा ही करता है। लेकिन जिस तरह से हम बता दें कि भाई के पास हम पहुँचे थे कि उम्मीद है इस भाई ने उम्मीद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद करेंगे और एक शेयर भी आप इसकी मदद करते हैं, आप एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिस तरह से हालात आपको फिर दिखा दें यहाँ पर देखिए किस तरह से दरारें भी आई हुई हैं और उस साइड है
और उस साइड भी आप देखोगे क्या हालात होंगे पूरे घर के। और जो इनके परिवार में है, एक माताजी है, उनकी 70 साल आयु है, और साथ ही इनके पिताजी हैं, और ये है, और जो दो सिस्टर हैं उनकी शादी हो चुकी है, और इनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भाई जी के हालात है, दोबारा फिर कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखा दे, ये नाली है जो पेट में लगी हुई है, क्या हालात है भाई साहब के, वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते होंगे। लेकिन हम यही अपील करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एम एक पत्रकार होने का फर्ज निभा रहे हैं। जिस तरह से आप कमेंट में भी बोलते हैं कि इन्होंने मर्डर किया है, वो तो प्रशासन का काम है कि कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है उसके अंदर। लेकिन यदि आप कहीं सड़क पर से गुजर रहे हैं और यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो हम उस बंदे को तुरंत उठाते हैं। क्यों उठाते हैं हमें नहीं पता कि वो पीछे क्या करके आया, उसने मर्डर किया क्या किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंसानियत के नाते उस व्यक्ति को हम एक्सीडेंट से वहीं से उठाते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो इसी तरह से आप एक इंसानियत के नाते आप इस भाई की मदद ज़रूर कीजिएगा। तो उनकी माता जी भी हमारे साथ। अच्छा, क्या सर, मैं मिलने गया था गृहमंत्री सर, और वहाँ पे मैं 3 बार गया सर, 2 बार में मेरे को नंबर नहीं पड़ा सर, और 3री बार मेरा जब नंबर पड़ गया सर, वहाँ पे बोल रहे थे जी आयुष्मान कार्ड के जरिए तेरा इलाज हो जाएगा सर। मेरे आयुष्मान कार्ड में जी कोई नाम नहीं आया जी, ना मेरे माँ बापा का आयुष्मान कार्ड बनाया जी, और ना मेरे पिताजी की कोई पेंशन लग रही जी। मेरी माँ की पेंशन लग रही है जी, वो भी टाइम पर नहीं आती जी, और हम बेरोजगार हैं सर, धक्के खा रहे हैं बहुत। तो कितना खर्च आएगा इलाज में? 3-4 लाख रुपए लग जाएगा सर। हाँ, गले का ऑपरेशन है, और दवाई भट्टी के लिए भी मेरे पास कोई पैसे नहीं है सर। इधर उधर से हाथ जोड़ के सर हम अपना काम को गुजारा चलाते हैं सर, किसी से दूध लेते हैं, किसी से जूस की दुकान से जूस लेते हैं, ताकि दोबारा उसके पैसे बाद में दे देंगे सर। तो जो भाई सीताराम जी हैं उनके हालात आपने देख लीजिए होंगे, उनकी माता जी है जिसकी आयु करीब 70 से 75 वर्ष है, तो उन्हीं से बात करते हैं। राम राम। ताई कैसे क्या हुआ था भाई के साथ? ताई फिर क्या उम्मीद थे हो, मदद की गुहार लगा रहे हो आप? क्या ये इनके टेंशन ज्यादा कर रहा था? टेंशन अगर आता ही टेंशन था तो कोई टेंशन ठीक हो जाओ, नहीं मैं फिर कौन टेंशन हो। तो फिर आज दौड़ो ना, मदद मांगनी मदद मैं मदद मांगूंगा दौड़ के ना, और बेटन ठीक कर दे, मेरे कोई को मारना ना को नहीं, मेरे बार ना खुला रहे जेगा, मेरे दौड़ बैठा रहे भाई ठीक भाई पाँच छः, मेरा भी तो कोई मेरा जुगाड़ होता नहीं, मैं तो ठीक कर देख कर आ ले, नौ भी नहीं हो गए खाट में, हम इसके घर लगे भर दूध मांग मांग के लाऊँ, गोबर पानी करके लासी पानी लाऊँ, सुखा लगा बड़े बनाए रोटी भी ले आऊँ, मैं निकाल अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो मदद की गुहार लगा रहे हो, मदद मांग रहे हो? हाँ मदद कर दो, मैं मदद को मांगूँ, जमा जोड़ के पापा करके ना जमा।